एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग किन्स के अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमें दो टॉपिक बच गए थे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। उस टॉपिक को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। बस आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक। देख लेते हैं किन्स के अर्थशास्त्र बताया था, किन्स ने क्या बताया था कि एग्रीगेट डिमांड जो है देश के GDP और रोजगार को निर्धारित करती है। उन्होंने एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला दिया था, जिसके बेस पे हम लोग पढ़ रहे थे। उसे हम लिख देते हैं एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था उनका। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एग्रीगेट डिमांड को ED लिखते हैं। ये कंजम्पशन पढ़ चुके थे, इन्वेस्टमेंट पढ़ चुके थे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पढ़ना है। इस क्या है तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं, लिख देते हैं आयात, आयात और निर्यात। एक्सपोर्ट का निर्यात, आयात। हम लोग जैसे पहले से कभी सुने होंगे, फिर जानते होंगे, कई बार ऐसे हम लोग सुन लेते हैं कि जो वस्तुएं हम लोग बेचते हैं उसे हम निर्यात बोलते हैं, अपने देश से दूसरे देश में बेचते हैं तो निर्यात बोलते हैं, और कई सारी वस्तुएं जो हैं हम अपनी इकोनॉमी के लिए बाहर से खरीदते हैं उसे हम आयात बोलते हैं। आयात और निर्यात, आयात देश के लिए अच्छी होती है, निर्यात देश के लिए अच्छी होती है, इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले बात तो ये कि हमारे देश में कई सारे वस्तुएं उत्पादित की जाते हैं और कई सारे सेवाएं भी बनाए जाते हैं। सेवाओं का मतलब क्या है, सर्विसेज का मतलब आप लोग समझ लीजिए एक बार। सर्विसेज यहाँ शुरू करते हैं हम लिखना, सर्विसेज। अगर हम हेल्थ के क्षेत्र में बात करें, हेल्थ के क्षेत्र में, तो इसमें आपका डॉक्टर सर्विस देता है, डॉक्टर हो सकता है, इसमें हॉस्पिटल, स्कूल। इसी तरह अगर हम इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बात करें, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में तो इसमें हम ये देख सकते हैं इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में क्या क्या होता है। तो स्पोर्ट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इसमें कई सारी चीज़ें होते हैं, इसमें क्रिकेट हो सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होती है, बैडमिंटन होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद हम एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं, फिल्म हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, एक और चीज़ हो सकती है अगर हम बात करते हैं, एक टूरिज्म भी होती है, टूरिज्म, कई सारे टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं घूमने के लिए, या फिर हमारे यहाँ से भी कई लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ का भी टूरिस्ट प्लेस को घूमते हैं। तो ये सारी चीज़ सर्विसेज में आती हैं। तो सर्विसेज यानी सेवाएं को समझ लें, तो बात यह है कि हम सर्विसेज भी बेचते हैं। तो बेचना कहने या सही नहीं होगा, लेकिन उसका सेंस यही है, क्योंकि आयात और निर्यात को समझने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम निर्यात को कैसे समझें कि निर्यात तो है कि हम अपने कोई भी वस्तु हम अपने देश के अंदर उत्पादन कर रहे हैं और उसको हम विदेशों में बेच रहे हैं, ये हमारे लिए निर्यात हुआ। या फिर इसका एक और मतलब भी हो सकता है, विदेशी कंपनी या फिर विदेशी लोग हैं वो हमारे देश के साधनों पर खर्च कर रहे हैं तो भी वो हमारे निर्यात में काउंट होगा। हमारे साधनों पर कैसे खर्च कर रहे हैं इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे अगर देश में वर्ल्ड कप हो रहा है, भारत में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, हम भारत का एग्जांपल लें, तो कई लोग वहाँ से आएंगे क्रिकेट देखने। जो लोग विदेश से आएंगे क्रिकेट देखने वो हमें यहाँ टिकट के पैसे खर्च करेंगे, ये हमारे लिए निर्यात हुआ क्योंकि हम अपनी सेवाएँ उन्हें दे रहे हैं। दूसरी बात, कई सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जिसके टूरिज्म के लिए आते हैं, वहाँ वो लोग पैसे खर्च करते हैं, ये भी हमारे लिए एक निर्यात हुआ। तो निर्यात को हम समझ गए। सेम इसी तरह हमारा आयात भी होता है। आयात को समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कई बार हम जाते हैं विदेश में और हम अपने पैसे वहाँ खर्च करते हैं। अगर हम अपने पैसे वहाँ खर्च करते हैं मतलब उनके लिए तो निर्यात हुआ क्योंकि वो अपनी सेवाएँ हमें दे रहे हैं। हम वहाँ कोई काम, मान लीजिए कि वहाँ से हम लोग कोई बिजनेस स्किल भी सीखते हैं। अगर ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में अगर हम विदेश से
कोई बिजनेस स्किल सीखते हैं, फिर भी वो हमारे लिए आयात ही हुआ क्योंकि वो लोग अपनी सेवाएं हमें दे रहे हैं। अब वो अपने सेवाएं वो अपने देश में रह के भी दे सकते हैं और यहाँ आके भी दे सकते हैं, दो तरह से होती है। तो इस ये हो गया हमारे लिए इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट को समझने के लिए देख लीजिए, इम्पोर्ट लिख देते हैं, इम्पोर्ट इसको बोलते हैं आयात। इसमें दो बात हुआ कि विदेशी लोग, सॉरी, विदेशों में हम अपने पैसे खर्च करेंगे, विदेश ऐसे लिखे, विदेशी साधनों पर किसी राष्ट्र द्वारा किया जाने वाला खर्च वाला खर्च ये हमारा आयात कहलाएगा। तो आयात और निर्यात समझ गई, आयात और निर्यात में ये फ़र्क होगा। निर्यात तो वो हुआ जो हम वस्तु बेचते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि विदेशी लोग हमारे यहाँ घूमने आए और हमारे साधनों पर उन्होंने पैसे खर्च किए, हमारे सेवाओं पर उन लोगों ने पैसे खर्च किए, ये भी हमारे निर्यात में होता है। इसी तरह आयात को उल्टा कर दीजिए, सेम उसी तरह अगर हम कहीं गए विदेशों में और हम लोगों ने वहाँ पैसे खर्च किए विदेश में, तो वो भी उनके लिए तो निर्यात हुआ लेकिन हमारे लिए वो आयात हुआ। तो आयात को लेकर किन साहब बताते हैं कि ये GDP से सीधे रूप से जुड़ा होता है। उनका कहना है कि अगर GDP बढ़ेगा तो आयात भी बढ़ेगा, और GDP कम होगा तो आयात भी कम होगा। GDP के बढ़ने का मतलब है कि हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा और हमारे देश की जनता का आय बढ़ेगा। अगर सुनिए, आय अगर बढ़ेगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि आय बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, तो इससे हमारी निर्यात बढ़नी चाहिए, फिर आयात कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने उसके लिए एक लॉजिक क्या दिया, उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि विदेशी जो राष्ट्र होते हैं, यानी जो अन्य राष्ट्र होते हैं, हमारे देश में कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। सेवाएं इन द सेंस कई तरह के वस्तुएं और सेवाएं दोनों उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि चाइनीज़ मोबाइल अभी हमारे देश में बहुत सारा बिकता है, जब हमें फ़ोन की ज़रूरत होगी तो हम इतना नहीं सोचते कि हमारे देश का है कि किसी और देश का है, हम वो खरीद लेते हैं। और कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे सैलरी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी इनकम ज़्यादा बढ़ जाए, तो कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। उस बात से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो जब हमारे इनकम बढ़ जाएगा, यानी आय बढ़ जाएगा, GDP बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ जाएगा तो हम वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे। उसमें हम किस देश की वस्तुएं खरीदते हैं ये तो ज़्यादा ध्यान में रखते नहीं हैं। तो ज़्यादा वस्तुएं बिकेंगी तो उनकी विदेश की भी वस्तुएं बिकती हैं, जब विदेश की वस्तुएं बिकेंगी तो उनके लिए वो निर्यात हुआ लेकिन ये हमारे लिए आयात हुआ। इस तरह से उन्होंने बताया कि GDP सीधे रूप से कनेक्टेड होती है आयात से, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सिर्फ तभी मान्य है जब ओपन इकोनॉमी की बात की जाए। अब यहाँ ओपन इकोनॉमी समझना पड़ेगा कि ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी दो चीज़ें होती हैं, जिसको हम समझ लेते हैं एक बार। इधर मैं लिख देता हूँ इसको, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी को। पहले क्लोज इकोनॉमी समझ लीजिए, क्लोज इकोनॉमी इसमें उन्होंने बताया कि ये ऐसा इकोनॉमी को कहा जाता है जिसमें कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से व्यापारी नहीं करता, यानी ना आयात करेगा ना निर्यात करेगा, इसे हम क्लोज इकोनॉमी बोलेंगे। और ओपन इकोनॉमी होता है जिसमें राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से भी व्यापार करे, यानी देश किसी अन्य राष्ट्र किसी और देश से व्यापार करे या फिर निर्यात करे, आयात करे, निर्यात करे, वो होता है ओपन इकोनॉमी। तो इसके लिए उन्होंने इसके आधार पर क्या फॉर्मूला दिया, जो क्लोज इकोनॉमी है तो ना आयात करेगा ना निर्यात करेगा, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, तीन चीज़ें, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चूँकि ये तीन चीज़ें हैं इसलिए इसको बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी। सेम इसी तरह ओपन इकोनॉमी को देखते हैं, ओपन इकोनॉमी तो ये तो व्यापार करेगा तो इसमें बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि इसमें आप नेट एक्सपोर्ट निकाल लो। नेट एक्सपोर्ट कैसे, यहाँ समझ लेते हैं कि ये जैसे है कि इसको हम मिटा देते हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए देख लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू हम लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। कहना है कि आप लोग हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से हम इम्पोर्ट को माइनस कर लेते हैं, अब जो बचेगा वो हमारा हो गया नेट एक्सपोर्ट।
यानी कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, जितना हम निर्यात करते हैं, उसमें से हम आयात को घटा लेते हैं और जो बचेगा वो हमारा बचेगा नेट एक्सपोर्ट। तो इसको घटा के उन्होंने बताया कि इसको लिखिए और नेट एक्सपोर्ट यानी NX लिखिए, इसका फुल फॉर्म आप लिखिए नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। तो फिर ये आगे बनेगा क्या, ये AD इक्वल टू बन जाएगा आगे इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ये नेट नेट एक्सपोर्ट, और ये बन जाएगा। तो इसमें चूंकि ये चार चीज़ें हैं तो इसलिए इसे बोला गया फोर सेक्टर इकोनॉमी, इकोनॉमी। तो इसमें ये बात ध्यान रखिए आप कि ओपन इकोनॉमी को, सॉरी ओपन इकोनॉमी को फोर सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं और क्लोज इकोनॉमी को और थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और बाकी GDP निर्यात आयात और आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो के यहीं तक रहने देते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।